दोस्तों आज आप लोगों के साथ एक और परमानेंट पेरिनियल प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है टीबू चाइना या बेगम बहार। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फ्लावर होते हैं, पर्पल कलर के फूल है, आप देख सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट प्लांट है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप क्या खाद देंगे कि आपके प्लांट में जरूर से फूल आने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये जो प्लांट है इसका वनस्पति जो नाम है वो है टीबू चाइना ग्रैनुलोसा करके है, और इसका ये जो प्लांट है इसको दो नाम से ज्यादातर जानते हैं, टीबू चाइना या बेगम बहार। ये एक झाड़ी की तरह होता है। और दूसरी चीज, आप ये जो प्लांट है ये सदाबहार है, परमानेंट प्लांट है, तो आपको एक बार ही इन्वेस्ट करना होगा इसके पीछे। लेकिन ये प्लांट जो है ज्यादातर मैंने देखा है, इससे पहले भी मैंने एक बार खरीदा था, तो फंगस से बहुत ज्यादा ये प्लांट खराब होता है, तो आपको इसे फंगस से जरूर बचाना होगा, तब आपका ये प्लांट जो है काफी दिन रहेगा आपके पास। दूसरी चीज, मैंने जहाँ तक देखा है, नॉर्मली मैं ये 8 इंच के गमले में लगवा, इसके यहाँ पर भी आप देखिए पहले फूल आया था, यहाँ पर भी फूल आया था, मतलब इसमें काफी पहले भी फूल आया था, लेकिन इसके प्लांट की साइज काफी छोटी थी तो मैं उस समय वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। कॉर्नर में पड़ा हुआ था, मेरे एकदम छोटा सा प्लांट था तब, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। अब थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाई दूं, क्योंकि ये प्लांट जब खरीद के लाई थी बहुत ही ज्यादा छोटा था। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे किस तरह की सॉइल देना चाहिए। तो सॉइल तो आप इसको वेल ड्रेन अच्छी पॉटिंग मिक्स बनाकर दीजिए, ताकि मिट्टी में पानी बिल्कुल रुके नहीं, इस तरह का वो वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। और न्यूट्रिशंस भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मैं जिस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ, मैंने उसी पॉटिंग मिक्स में ही इसको लगाया था, एक भाग कोकोपीट, एक भाग वर्मी कंपोस्ट और एक भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल। उसमें एक मुट्ठी बोन मील, एक मुट्ठी हॉर्न मील, एक मुट्ठी सरसों की खली और जो है 1 चम्मच साफ फंगिसाइड और 2 मुट्ठी नीम की खली, इस तरह से पॉटिंग मिक्स बनाया मैंने। कम से कम 12 इंच के हिसाब से बनाया था, मिट्टी में थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ ताकि दूसरे और भी प्लांट लग जाए। और आप देख सकते हैं इसमें इंसेक्ट भी लगता है, तो इसी तरह की पॉटिंग मिक्स में ही मैंने जो है ये जो प्लांट है उसको लगाया, और प्लांट काफ़ी अच्छे से चला भी, कोई भी प्लांट को ऐसा नहीं है कि नुकसान हुआ। बहुत अच्छे से इस तरह की मिट्टी में आप लगा सकते हैं, परमानेंट कोई भी प्लांट आप इस तरह की सॉइल में लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगर आपके वहाँ चिकनी मिट्टी है तो आप जो है उसमें सैंड भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ चिकनी मिट्टी नहीं है तो मैं सैंड नहीं मिलाती हूँ, कोकोपीट में ही काफी वेल ड्रेन सॉइल बन जाता है। दूसरी चीज, अगर बात करें कि आप गमला किस साइज का लेंगे, तो आप देख सकते हैं अगर आपका प्लांट काफी छोटा है, जैसे मैंने इसको जब खरीदा था तो बहुत ही ज़्यादा छोटा प्लांट था, तो मैंने इसको सिर्फ 8 इंच के गमले में ही लगा दिया था। लेकिन अगर आपका प्लांट थोड़ा बड़ा है तो आप कम से कम 10-12 इंच के गमले में लगाइए, काफ़ी छोटा प्लांट है तो आप 8 इंच के गमले में भी 1 साल तक जो है रह जाता है उसमें। मेरा जो ये प्लांट है अभी भी इसमें रूट्स काफ़ी ज़्यादा फैली नहीं है, क्योंकि नया प्लांट जो है रूट्स फैलाने में भी उसको 1 साल 1.5 साल लग जाता है, और अगर आपका प्लांट बड़ा है तब रूट्स काफ़ी तेजी से फैलता है। तो आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग गमला चूज कीजिए, छोटा प्लांट है तो 8 इंच का गमले में लगाइए, और थोड़ा बड़े साइज का प्लांट है यानी 1.5-2 फिट का अगर आप प्लांट लेकर आ रहे हैं ना, जैसा मेरा इतना प्लांट है, इतना अगर आपका प्लांट खरीद ते समय है तो आप बड़े गमले में ही सेट कीजिए उसको, उसको तब छोटे गमले में मत लगाइए। एक चीज और है, ये जो प्लांट है बहुत ज्यादा ड्राई वेदर में नहीं पनप पाता है, ये थोड़ा सा आपके वहां पर अगर ह्यूमिडिटी है यानी थोड़ा सा मौसम में मॉइस्चर हर समय रहता है तो उस तरह के जगह पर ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, और जहाँ थोड़ा बहुत बारिश होगा, थोड़ा मतलब नॉर्मल रहेगा, इस तरह की अगर वहाँ का वेदर है तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो ये प्लांट थोड़ा सा सर्वाइव कम करेगा या आपका प्लांट जो है वो खराब भी हो सकता है। तो अगर आपके वहाँ ड्राई वेदर है और आप ये प्लांट लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पे इसको रखिए जहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा गीलापन महसूस हो, उस जगह पे थोड़ा सा मॉइस्चर रहे, जैसे कोई आपका
कहीं पर टूटी वगैरह है या कहीं पर कोई नल वगैरह है उसके आसपास अगर रखेंगे तो वहां पर जो वेदर होगा वहाँ हल्का गीला गीला रहेगा, तो गमले में साइड में पड़ा रहेगा तो इस प्लांट को वैसा फील होगा कि ये जो है थोड़ा सा वहां पर ठंडक रहेगी। तो ऐसी जगह पर आप रखेंगे तो आपके वहां अगर ड्राई वेदर भी है तब भी आपका ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा बहुत अच्छे से। या आप इसको जो है कभी कभी थोड़ा सा पानी से ऊपर से शावर कर दीजिए तो उससे भी इस प्लांट को आप रख पाएंगे अच्छे से। दूसरी चीज, इसको सनलाइट कितनी चाहिए, तो सनलाइट ये प्लांट जो है आप धूप में रखिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि इसको धूप नहीं पसंद है, बिल्कुल ये 5 से 6 घंटे की धूप सह सकता है, लेकिन जहां पर थोड़ा आर्द्र वेदर है या थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहां ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। दूसरी चीज, इसको पानी कितना देना है, तो पानी आप जैसे नॉर्मल प्लांट में देते हैं वैसे ही दीजिए। अभी रेनी सीजन है तो बिल्कुल आप गमला चेक करके दीजिए, और ये ध्यान रखिए अगर बारिश का सीजन है तो ड्रेनेज होल खुला हुआ रहना चाहिए, बिल्कुल भी बंद नहीं हो। और गर्मी के सीजन में मैं इस प्लांट में भी 2 बार पानी देती थी, और इंसेक्ट आप देख सकते हैं ये जो पत्तियां छेद हो रखी है ना, तो ये इंसेक्ट के कारण ही हो चुका है। इसमें भी इंसेक्ट लगा था तब इस तरह से हो गया था, लेकिन मैं क्या टाइम पर थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देती हूँ। रेनी सीजन में काफी तेजी से इंसेक्ट का असर देखा है मैंने, तो बस ये करना है कि मंथ में 2 बार इंसेक्टिसाइड दीजिए। अगर आपका प्लांट में इंसेक्ट ऑलरेडी लग चुका है तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं तो 2 बार काफी रहता है। अगर आप नीम तेल वगैरह दे रहे हैं तो आप जो है 10 दिन के डिस्टेंस में दीजिए तो वो सही रहता है, क्योंकि नीम तेल का असर अच्छा रहता है लेकिन थोड़ा सा क्या है उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। अब बात करते हैं इस प्लांट को रिपॉटिंग करने का सही समय क्या है। तो नॉर्मली आप ये जो सीजन है ना अभी भी आप इसको रिपॉटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप फरवरी मंथ या आप मार्च में या आप अप्रैल के शुरू में, इन सब महीने में ही रिपॉटिंग कीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी के सीजन में इसको रिपॉटिंग ना कीजिए, नहीं तो आपका प्लांट जो है बहुत तेजी से शॉक में जाएगा और आप उस प्लांट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वैसे तो ये प्लांट जो है समर सीजन का ही प्लांट है तो काफी ज्यादा जो है धूप सह सकता है, लेकिन अगर आपके वहां पर 50 से भी ज्यादा हाई टेम्परेचर चला जाता है तो उस समय आप इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर थोड़ा सा मॉर्निंग की ही धूप आए या शाम की धूप आए, या आप जो है अपने घर के अंदर जो बालकनी वगैरह होती है वहां पर भी रख सकते हैं। बहुत अच्छे से ये वहां पर रह पाएगा। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल होगा तब आप उसको फिर से बाहर आउटडोर में रख सकते हैं, नहीं तो ये प्लांट जो है बहुत तेजी से खत्म होने लगते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था आप लोगों को कि ये प्लांट जो है फंगस से बहुत जल्दी से खराब होता है, तो आपको जो है अपने गमले का जो ड्रेनेज होल है उसे जरूर से चेक करना चाहिए ताकि आपका जो पानी रुके नहीं। अब बात करते हैं कि फंगिसाइड का, तो फंगिसाइड आप इसमें जरूर मंथ में एक बार दीजिए सॉइल में, और प्लांट पर भी स्प्रे जरूर कीजिए। रेनी सीजन में तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस समय फंगस का अटैक बहुत ज्यादा लगता है। अब बात करते हैं कि इसमें फर्टिलाइजर क्या देना है, तो फर्टिलाइजर देख लीजिए पहले आप लोग। तो आज मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही देने वाली हूँ, क्योंकि काफी लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम आप सिर्फ केमिकल या ऑर्गेनिक भी देती हूँ, मिक्स करके देती हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है टोटली ऑर्गेनिक का पूछ रहे। तो मैं यहाँ पर जो है मेरा गमला मैंने पहले ही बताया 8 इंच का है, तो 2 चम्मच बोन मील दे रही हूँ। बोन मील में काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस रहता है, और ये जो है सरसों की खली है, सरसों की खली में जो है काफी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम रहता है जो 4:1:1 रेशियो रहता है। और यहाँ पर 2 चम्मच जितना नीम की खली दे रही हूँ, नीम की खली में भी काफी अच्छे न्यूट्रिशंस रहते हैं और प्लांट को इंसेक्ट से भी बचाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फंगिसाइड भी आपको देना चाहिए, तो हर महीने ही जो है कोशिश कीजिए देने की। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच जितना ही दे रही हूँ, मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी कम हुआ, तो आप 1/2 चम्मच जितना दे दीजिए ताकि आपको जो है मिट्टी में आपको एक बार ही देना है, तो मैं यहाँ पर जो है खाद के साथ ही दे देती हूँ तो बार बार देने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो खाद है ये अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ पर कोई भी चीज जो है केमिकल नहीं है, फंगिसाइड तो केमिकल होता ही है। नॉर्मली आप ऑर्गेनिक वाला भी दे सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है वो यूज ले लीजिए तो पूरा ऑर्गेनिक ही हो जाएगा, वो भी सेम क्वांटिटी में ही देना है। तो ये चीजें मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ। मिट्टी को आपको बहुत अच्छे से गुड़ाई करना है, कभी भी आप खाद दीजिए तो गुड़ाई जरूर कीजिए ताकि आपके सभी न्यूट्रिशंस प्लांट तक पहुंच पाए। बस इस तरह से गुड़ाई कीजिए और खाद को अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में प्लांट
के पास मत दीजिएगा, गमले के चारों तरफ दीजिएगा। ऐसा करने से आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। बस इस तरह से आपको चारों साइड से देकर और आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है मिट्टी के साथ में। अगर आपने इसको मिक्स नहीं किया तो आपके प्लांट के जो खाद है वो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो बह जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर इस तरह से छोड़ दिया ऊपर ही खाद देकर तो फंगस बहुत तेज़ी से लगेगा। वैसे भी रेनी सीजन चल रहा है तो फंगस बहुत तेज़ी से लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरसों की खली है, नीम की खली, इनमें बहुत ज़्यादा फंगस लगता है। तो बस आप इसको इस तरह से, अगर क्योंकि मेरे यहाँ मिट्टी थोड़ी कम है तो मैं जस्ट ऊपर से जो है मिट्टी से कवर कर रही हूँ अभी। तो आप भी जब भी ऑर्गेनिक खाद दे तो मिट्टी से जरूर कवर कर दीजिए, नहीं तो खाद को बहुत अच्छे से मिट्टी में मिला दीजिए। दो चीजें आप कर सकते हैं ताकि आपके प्लांट में फंगस ना लगे। ये तो हो गया ऑर्गेनिक की बात। अगर आप पूछेंगे कि केमिकल खाद क्या देना चाहिए, अगर आप थोड़े से शॉर्टकट में पूछेंगे तो एनपीके बैलेंस वाला जो होता है ना, कुछ भी आप एनपीके 19:19:19 हो गया या 20:20:20 हो गया, ये आप हर महीने दीजिए। 8 इंच के गमले के लिए 1/2 चम्मच जितना दीजिए, और खाद देने के बाद मैंने पानी भी दे दिया है, आप देख सकते हैं। बस बैलेंस एनपीके दीजिए। अगर आपको फ्लावर लेना है तो आप पोटाश भी दे सकते हैं, फ्लावर लेते समय 1/2 चम्मच जितना पोटाश, या आप जो है एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं, और जो है जो आपका सीवीड फर्टिलाइजर होता है वो भी आप महीने में एक बार जरूर दीजिए। ये सब देने से आपके प्लांट में डेफिनेटली फूल आने लगता है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।